वो कौन से हरूफ हैं जो कुरान मजीद में इस्तेमाल नहीं किए गए? दूसरे लोगों से मुलाकात करने का सुन्नत तरीका क्या है? वो अल्लाह ताला के कौन से नबी हैं जिन्होंने निकाह नहीं किया था? 10 ऐसे इस्लामी सवाल जिनका जवाब जानना आपके लिए नहायत ज़रूरी है। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कितनी शादियाँ की थी? हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने 5 शादियाँ की थी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मदीना शरीफ के आखिरी सहाबी कौन थे? जवाब है हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। वो कौन से हरूफ हैं जो कुरान मजीद में इस्तेमाल नहीं किए गए? चे और गाफ। हदीस पाक में फ़र्ज नमाज के बाद सबसे ज़्यादा अफजल नमाज किसे कहा गया है? रात की नमाज को। दूसरे लोगों से मुलाकात करने का सुन्नत तरीका क्या है? सलाम करना, मुसाफा करना, मुस्कुराना, भली बात करना और अच्छे इखलाक। कुरान मजीद का दूसरा नाम क्या है? जवाब है अल किताब। किस नबी की 1000 बीवियां थीं? जवाब है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। जंगे यमामा में कितने हाफिज़ कुरान शहीद हुए? 70। वो कौन सी जगह है जो मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों के लिए मुकद्दस है? बैतुल मुकद्दस। झूठ की बदबू से फरिश्ता कितनी दूर हो जाता है? 1 मील दूर हो जाता है। वो अल्लाह ताला के कौन से नबी हैं जिन्होंने निकाह नहीं किया था? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत यहिया अलैहिस्सलाम। उस नबी का नाम बताएं जो 300 साल तक रोते रहे। जवाब है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। कौन सा बादशाह मस्जिद में इमामत करवाता था? जवाब है औरंगजेब। शैतान कितना अरसा फरिश्तों के साथ रहा? 80,000 साल तक। तो दोस्तों, कैसे लगी आज की वीडियो और कितने सवालों के जवाब आपने दिया हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।